सो है हैकर्स, वंस अगेन वेलकम टू द वीडियो। तो भाई लोग, आज की जो अपनी वीडियो है वो होने वाली है किस पे? जी हाँ, बैटर कैप के ऊपर। तो भाई चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, वीडियो आने लेट क्यों हो रही है? एक्चुअली मैंने वीडियो बना ली थी, लेकिन उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठा और बारिश आ गई। और जब बारिश आती है तो बिजली का तो आप लोगों को पता ही है, लैपटॉप में बैटरी थी नहीं। तो मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जा पता है आप लोगों को क्या होता है। तो चलो भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। तो भाई सबसे पहले तो टर्मिनल खोलेंगे एज यूजुअल। और लिखना क्या है सबसे पहले तो आप लोगों को भाई, इफ कॉन्फिग से अपना जो आईपी, देखो इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि अपना जो यूएसबी वाले अडैप्टर उसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जो हमारा इनबिल्ट अडैप्टर होता है दैट्स दिस ETH0। तो आपको इसका नाम एक बार ही देख लेना है कि कहीं ये ना हो कि आपके में, क्योंकि कई बार क्या होता है नाम अलग होता है, मतलब ईथो की जगह कुछ और लिखा होगा। मेरा ETH0 है तो हो सकता है आपके में कुछ और लिखा हो XYZ, तो ये देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं भाई, लिखना क्या है देखते जाइएगा भाई। बैटर कैप आई फेस ETH0, बस ऐसा कुछ आ गया तो मतलब आपकी कमांड एग्जीक्यूट कर गई है। अब आगे आप क्या करना है भाई लोग, करना क्या है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो टूल के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ भाई। देखो हेल्प अगर आप लिखेंगे तो आपको काफी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई। ये देखो कमांड्स आप देख लेना, पढ़ लेना, स्विच के अंदर आपको आ जाएगी और काफी कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा भाई। ARP स्पूफ जो कि हम करेंगे, फिर आपके कैपलेट्स, HTTP प्रोक्सी, HTTP सर्वर, net.proc क्या है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई कि भाई राउटर के साथ हमारा कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा ना भाई। हमारा तो भाई एक राउटर के साथ कनेक्ट है, मतलब हमारा मान लीजिए पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्टेड है हमारा डिवाइस, जो मेरा लैपटॉप है, जो हमारी काली मशीन है। लेकिन उस पब्लिक वाईफाई के साथ और कौन कौन से लैपटॉप कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब जो मेरा मोबाइल है मान लीजिए वो एक पब्लिक वाईफाई है, ठीक है, इसके साथ मेरी काली मशीन भी कनेक्टेड है और इसके साथ मेरा विंडोज मशीन भी कनेक्टेड है। तो मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि मेरा विंडोज मशीन कनेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि मैं तो ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा सिर्फ काली जो है वो कनेक्टेड है, दूसरी कोई मशीन कनेक्टेड है वो मेरे को नहीं पता। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी मशीन कनेक्टेड है मेरे मोबाइल के साथ बिना किसी देरी के। तो net.prop आपको करना है ऑन, एंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा भाई ये कोई डिवाइस कर डिटेक्ट हुआ है यहाँ पर और उसकी मैक एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमको एक प्रॉपर टेबल चाहिए। तो चलो भाई लोग करते हैं net.show, और जैसे मैं net.show करूँगा तो आपको हर एक डिवाइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई। ये है मेरे काली लिनक्स की IP, उसका मैक एड्रेस, और ये रहा अपना भाई गेटवे IP का, मतलब जो मेरा राउटर है जो कि मेरा मोबाइल बन रखा है इस समय, उसका गेटवे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रहा अपना लैपटॉप जो मेरी विंडोज मशीन है उसका IP एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब भाई कौन सा लैपटॉप कनेक्ट है इसके साथ वो तो अपने को देखने को मिल गया है, लेकिन अब स्पूफ कैसे करूँ? स्पूफ को मतलब मैंने बताया था नहीं पता है, I बटन के अंदर लिंक है, जा करके देख लेना। और दूसरे मेथड से आप कैसे कर सकते हो स्पूफ वो भी एक वीडियो है डाल रखी है, देख लेना भाई काट में जाकर। स्टार्ट करते हैं भाई स्पूफ कैसे करना है। तो जैसे कि आपको पता है भाई यहाँ पर लिखा है ARP स्पूफ। सबसे पहले मैं तो एक चीज दिखा दूँ, दोबारा हेल्प करेंगे तो जो दो कमांड थी ना net.prop और net.recon आपको दिख रहा होगा पहले नोट रनिंग थी लेकिन अब रनिंग हो गई है, तो बस हमको ARP.spoof भी जो है ना वो रन करना है। तो अगर आपको देखिए एक और मैं चीज बताता हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता ना कौन सा डिवाइस क्या है, क्योंकि देखो सारे टूल तो मैं बताऊंगा नहीं, net.proxy, ARP.spoof क्या क्या होते हैं, तो करना क्या है ना आपको बस हेल्प लिखना है और ARP.spoof लिखना है, ठीक है, एंटर मारोगे ये आपको देखने को मिल जाएगा भाई लोग क्या क्या है इसके अंदर, मतलब ये पर्टिकुलर टूल क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो स्पूफ है तो स्पूफ से तो आपको पता लग ही रहा है भाई, स्पूफिंग के लिए कीप स्पूफिंग सेलेक्ट होस्ट ऑन द नेटवर्क जैसा कि मतलब दिख रहा होगा, और ये भी दिखा रहा है इसका स्टेटस है नोट रनिंग। तो हमको क्या करना है रनिंग, लेकिन रन करने से पहले ना थोड़े बहुत माइनर चेंज करने पड़ेंगे। चेंज क्या करना पड़ेगा, जो आपको इसका ये ARP फुल डुप्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है, तो भाई देखो फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सेमी डुप्लेक्स नहीं पता है तो नेटवर्किंग सीख लेना, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं करूंगा नहीं, मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर सीरीज होगी, जा करके देख लेना भाई क्या होते हैं फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और ये सारी चीजें। तो फॉल्स है ये, हमको इसको करना है भाई ट्रू, ठीक है, ट्रू कर दिया सेट। बस भाई अब आपको करना क्या है, सेट ARP.spoof.targets जो कि अपना ये है टारगेट, अपन को लोगों को जो है ना वो सेट करना है। तो अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है ये जो हमारा विक्टिम का क्या है लैपटॉप,
जो भी मतलब कंप्यूटर वगैरह जो सभी डिवाइस है, तो यहाँ पर आकर के आपको कर देना है पेस्ट, एंटर मारना है। अगर ऐसे हो गया मतलब दोबारा से वो आ गया, तो मतलब आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब अपन लोग को क्या करना है, बस एआरपी स्पूफ कर देनी है ऑन, चालू हो गया। तो ये अनेबल हो चुका है। अगर मैं दोबारा से हेल्प लिखूंगा ना, तो आप देख सकते हो भाई एआरपी डॉट स्पूफ जो है वो अपना चालू हो चुका है, रनिंग हो रहा है, मतलब स्पूफ तब हो गए हैं। तो जो एआरपी स्पूफ, एक बार आप इस टूल को ना एक बार पूरे अच्छे से जाना भाई, बेटर क्या क्या है, क्या चीज़ है, खुद देखना। ARP स्पूफ मैंने आपको दो मेथड से आज की वीडियो के अंदर सिखा दिया, मतलब एक बैटर कैप से और एक पिछली वाली वीडियो से, दो मेथड कैसे आप स्पूफ कर सकते हो वो आपको देखने को मिल गया है। अब बात ये आती है भाई, स्पूफ तो हमने कर लिया है, मैन इन द मिडल बन चुके हैं, लेकिन उन मैन इन द मिडल बनने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक हम जो है वो उसका जो पैकेट जो सेंड कर रहे हैं ना वो हम पढ़ ना पाए। तो पैकेट कैसे सेंड करेंगे, छोटा सा हिंट दे देता हूँ भाई, क्योंकि बताऊंगा तो मैं अगली वीडियो के अंदर ही, क्योंकि लंबी हो जाएगी काफी वीडियो, छोटी सी वीडियो बनानी थी यार मेरे को। तो भाई देखो, पैकेट अगर आपको स्निफ करना मतलब पढ़ना है, तो आपको जो है वो ऑन करना पड़ेगा नेट डॉट स्निफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर आपको एक छोटा सा पैकेट होता है HTTP, मतलब ये क्या करेगा, आपका सिर्फ HTTP को बता सकता है, मतलब उसको स्निफ कर सकता है। अगली वीडियो के अंदर डिटेल्स जाऊँगा यार, अभी तक का तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं, वरना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लंबी वीडियो बन जाएगी। तो बेटर का ऐसा ही टूल है, आप देख सकते हो भाई स्पूफिंग कैसे कर सकते हो, मतलब मैन इन द मिडल आप कैसे बन सकते हो, और काफ़ी अच्छा टूल है यार, देखना इसको, खुद एक्सप्लोर करना, क्योंकि हैकिंग ऐसी चीज़ है जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, स्पून फीडिंग नहीं है भाई, खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर, और वीडियो थोड़ा बहुत लेट किसने आई वो बताया भाई, लाइट चली गई थी और कॉलेज अपने चल रहे हैं, तो होता रहता भाई। चलो ठीक है भाई, चलते हैं, यही था आज की वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर। और भाई चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा ना, कर लो अभी, अभी करो भाई, अभी भी और वीडियो आएंगी ना भाई, फिर करना मुझे। चलो ठीक है भाई लोग।